रेड 2010 में आई एक कैनेडियन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं माइकल ग्रीनस्पॉन। रेक्ट कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी कार में फंस चुका है। अब वो यहाँ से बचने के लिए क्या क्या करता है, चलिए जानते हैं इस कहानी में। ऑलिवर सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेक्ट। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई कार में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको अभी अभी होश आया होता है। वो अपने आप को गाड़ी के शीशे में देखता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, जबकि उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर भी एक आदमी मरा हुआ मिलता है जिसको देखकर वो थोड़ा डर जाता है और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान अपने पैर पर पड़ता है जो गाड़ी में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जिसकी वजह से वो इस गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है। असल में इस गाड़ी का पहाड़ी से गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था जिसमें गाड़ी का ड्राइवर और पिछले सीट पर बैठा हुआ शख्स मारे जाते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है जिसकी वजह से ये बच जाता है। पर सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। उसे गाड़ी के बाहर भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है जो इस कार के ड्राइवर की होती है। उसे कार के अंदर एक टॉर्च और एक मिंट कैंडी पड़ी मिलती है। वो उस कैंडी को उठाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पैर फंसा होने की वजह से वो उसको उठा नहीं पाता है। अब वो जख्मी हालत में इस कार में पूरी तरह से फंस चुका था। धीरे धीरे अब रात हो रही थी, इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कार के रेडियो में म्यूजिक को चलाने लगता है जिसको सुनते सुनते उसकी आंख लग जाती है। अभी तक उसको ना तो पानी और ना ही खाना नसीब हुआ था, पर तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो उसे देखकर थोड़ा खुश होता है और बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे बहुत तेज ठंड लगती है। वो कार में पीछे पड़ी हुई लाश का कोट उतार लेता है और उसको पहन लेता है। अब उसको बहुत तेज भूख भी लगने लगती है पर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। उसे इतनी तेज भूख लग रही होती है कि वो कार में पड़ी लाश को खाने ही वाला होता है, पर उसे खाने से पहले वो उसका वॉलेट चेक करने लगता है जहाँ पर उसे उसके बारे में पता चलता है कि उसका नाम जॉर्ज है। उसे लगता है कि शायद वो उसका दोस्त है इसलिए वो उसे नहीं खाता है। अब अगली सुबह एक बार फिर से वो कार में पड़ी हुई मिंट कैंडी को उठाने की कोशिश करता है, पर उसे कैंडी तो नहीं लेकिन कार की सीट के नीचे एक बंदूक और कुछ गोलियां मिल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस कार में कुछ तो बहुत गलत हुआ है। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं पर ना तो कोई अभी तक उसे बचाने आया है और ना ही वो खुद इस कार से बाहर निकल पाता है। अब वो इतना भूखा होता है कि कार के अंदर चल रही चींटी को ही खाने लगता है, पर तभी उसे एक लड़की दिखती है। वो बहुत तेज हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है जिसको सुनकर लड़की उसके पास आकर उसे पानी और खाना देती है, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सच हो पाता उसकी आंखें खुल जाती है। उसका ये सपना टूट जाता है। वो इतना भूखा होता है कि अब उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे वो लड़की बार बार दिखाई देने लगती है। रात होने पर वो फिर से उदास होने लगता है कि शायद मैं अपने आखिरी सांस तक इसी कार में फंसा रहूंगा, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो कार से बाहर की ओर देखता है तो उसको एक शेरनी बाहर पड़ी लाश को खाते हुए नजर आती है। वो उसे यहाँ से भगाने के लिए उस पर गोली चलाता है जिससे वो भाग जाती है, लेकिन अब वो सोचता है कि अगर जल्द ही मैं इस कार से नहीं निकला तो शायद ये शेरनी मुझे भी खा जाएगी। वो अगली सुबह गुस्से में कार के दरवाजे को अपने हाथ से पीटने लगता है। वो अपने पूरे शरीर का जोर उस पर लगा देता है और तभी झटके से कार का गेट खुल जाता है, पर उसके पैर में बहुत पेन होने लगता है। बहुत दिनों से कार में फंसे होने की वजह से उसके पैर में जख्म हो जाते हैं। कार से बाहर निकलती उसे एक कुत्ता भी दिखाई देता है। वो कार से निकलते ही सबसे पहले कार के अंदर पड़ी हुई मिंट कैंडी को खाता है, जहाँ पर उसे एक कार्ड भी मिलता है जिस पर रेमंड प्लाजी नाम लिखा होता है। वो लड़की जो बार बार इसके सपने में आ रही थी वो उसको बोलती है कि तो तुम ही हो, इसीलिए वो भी ये मान लेता है कि शायद वो ही रेमंड प्लाजी है। अब वो कार के सीट बेल्ट को काटकर उससे एक लकड़ी को अपने पैर से बांध देता है जिससे उसका पैर ठीक हो सके। वो लकड़ी को पैर से बांध ही रहा होता है कि तभी उसे कार के रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है कि 3 आदमी एक बैंक को लूटकर उसके गार्ड और एक फीमेल को मारकर भाग गए हैं जिनके नाम जॉर्ज वीवर, एरिक स्टेपल्टन और रेमंड प्लाजी है। जिसे सुनकर इसका दिमाग घूम जाता है और वो फौरन जाकर कार की बैक साइड चेक करता है जिसमें इसे 3 नोटों से भरे बैग मिलते हैं, जिसको देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो ही रेमंड प्लाजी है जिसने बैंक लूटकर एक गार्ड और एक लड़की को मार दिया है। वो पूरी तरह निराश हो जाता है कि अगर वो इस जंगल से निकल भी जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और इस जंगल से निकलते हुए दर्द भी बहुत होगा क्योंकि मेरा पैर बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन फिर भी वो रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। पर तभी उसे कार के पास एक आदमी दिखता है जो कार में पैसों से भरे बैग को चुरा रहा होता है। वो उसके ऊपर बंदूक तान लेता है लेकिन उस चोर के पास उससे भी बड़ी बंदूक होती है। वो उससे कहता है कि तुम चाहो तो सारे पैसे ले जाओ, बस बदले में मेरी हेल्प कर दो, लेकिन वो चोर बिना उसकी हेल्प करे वहाँ से सारे पैसे लेकर चला जाता है।
जहाँ पर अब वो वापस कार की बैक साइड को चेक करने आता है, तो उसमें उसे अभी भी नोटों से भरा हुआ एक बैग पड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि वो चोर सिर्फ दो ही नोटों के बैग लेकर गया था, पर अब ये पैसे उसके किसी काम के नहीं है। इसलिए वो रात को इन्हीं बचे हुए पैसों से आग जला लेता है और कार से मिली हुई मिंट कैंडी को खाने लगता है। पर तभी उसे फिर से वो कुत्ता दिखता है। उसे देखकर उसको याद आता है कि शायद उसे कुत्ते पसंद थे और वो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वो शेरनी दोबारा आ जाती है और अब की बार कार में पड़े हुए आदमी को ले जाती है। उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो शायद अगला नंबर अब मेरा होगा। वो सुबह होते ही रेंगते हुए जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो कुत्ता उसे रास्ता दिखाता है और थोड़ी दूर चलते ही उसे एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे पेन किलर और खाने की चीज होती है। ये दोनों चीजें इस टाइम उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। वो उसे थोड़ा खुद खाता है और थोड़ा कुत्ते को खिलाता है। अब उसका उस कुत्ते के साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया था। थोड़ा और आगे चलकर उसे एक केव में फोन मिलता है, पर जंगल के बीचों बीच होने की वजह से उसमें कोई सिग्नल नहीं होते हैं। उसे वहाँ पर एक लाश भी मिलती है जिसे शायद उसी शेरनी ने मारा था। असल में ये उसी चोर की लाश होती है जो कार से पैसे लेकर भागा था। वो फोन उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है कि कहीं वो शेरनी वहाँ आकर उसको भी ना मारते। उसे आगे एक नदी मिलती है जहाँ वो रुककर और थोड़ा सा पानी पीकर अपने आसपास के कीड़ों को खाने लगता है। अब उसे अपने साथ वो सपने वाली लड़की हर जगह दिख रही होती है जो सिर्फ उसका वहम थी, जिसके बाद वो उस नदी को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से वो उसमें बहकर बहुत आगे जाकर रुकता है। वो पानी में बहने की वजह से रास्ता भटक चुका था, लेकिन खुशी की बात ये थी कि उसे जो फोन केव में मिला था वो बिल्कुल ठीक था, पर उसमें नेटवर्क अभी भी नहीं थी। वो फोन को लेकर फिर आगे बढ़ने लगता है, पर रात होते ही तेज बारिश होने लगती है और उसे एक जगह पर छुपना पड़ता है। पर तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। वो देखता है कि वो लड़की बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन उस लड़की की तरह वो भी सिर्फ उसके दिमाग का वहम होते हैं। अगली सुबह वो कुत्ता भी उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है, जिसे लेकर वो फिर से चल पड़ता है, लेकिन उसके पैर का जख्म और भी बेकार हो चुका था। वो सिर्फ पेन किलर को खाते हुए ही यहाँ तक पहुँचा था और अब पेन किलर भी खत्म होने वाले थे। पर पैर को ना देखते हुए वो आदमी फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो घूमकर फिर से वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां से वो चला था। उसे अपने सामने वही कार दिखती है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, जहां पर उसको फिर से वही लड़की दिखाई देती है। वो उसे गुस्से में कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मेरा पीछा छोड़ दो। उसे लगता है कि शायद उसको यहां पर लाने वाली यही लड़की है और जब तक ये यहां पर रहेगी वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो तभी उसका गला दबाकर उसके सिर में गोली मार देता है और खुद रास्ते की खोज में फिर से चल पड़ता है। वो जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी तक जैसे तैसे पहुंच जाता है, पर उसे वहां से भी दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसको लगता है कि शायद अब वो यहां से नहीं निकल पाएगा। वो पूरी तरह से निराश हो जाता है और अपनी जान लेने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी उसका जंगल का साथी कुत्ता पीछे से भौंकता है। वो मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो उसे उसके साइड में एक रोड का बोर्ड साइन लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उस रोड की तरफ निकल पड़ता है। उसे रोड पर पहुंचते ही एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। वो उसका वॉलेट चेक करता है जिसमें उसे एक आईडी मिलती है जिस पर उसके फोटो के साथ उसका नाम रेमंड प्लासी लिखा होता है। वो उस आईडी को कार में मिली हुई आईडी से चेक करने लगता है, जिससे उसे अब पता चल जाता है कि वो रेमंड प्लासी नहीं बल्कि रेमंड प्लासी तो ये बंदा है जो इस समय मेरे सामने मरा पड़ा है। तभी उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। असल में जो लड़की इसे बार बार जंगल में दिख रही थी वो इसकी वाइफ थी। वो और उसकी वाइफ साथ घूमने के लिए बाहर आए थे और वो अपनी वाइफ के लिए कुछ खाने को ला रहा था, पर तभी अचानक उन तीनों चोरों ने गार्ड को मारकर इसको हॉस्टेज बना लिया था और वहां से कार लेकर निकल गए थे, जहां इसकी वाइफ ने भी कार को रोकने की पूरी कोशिश करी थी पर वो कुछ नहीं कर पाई थी। ये आदमी कार में उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और कार के हैंडल को गलत दिशा में घुमा देता है और इसी वजह से इनकी गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई थी, जिसमें वो तीनों चोर मारे गए थे। पर अच्छी किस्मत की वजह से ये बच गया, यानी कि ना तो ये चोर है और ना ही इसने किसी को मारा है। और इस जंगल में इसने जिसे मारा था वो सिर्फ इसके दिमाग की कल्पना थी और अब शायद इसकी वाइफ भी इसे पागलों की तरह ढूंढ रही होगी। ये सब जानने के बाद अब इसका मरने का कोई भी इरादा नहीं था। वो बस जल्द से जल्द अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी वो शेरनी फिर से वहाँ पर आ जाती है जो जंगल में सभी को मारती फिर रही थी। वो इसके ऊपर भी हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो उसके सामने रेमंड प्लाजी की बॉडी को फेंक देता है और शेरनी उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर रोड पर होने की वजह से अब उस फोन में भी नेटवर्क आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो फौरन पुलिस को फोन करता है, जिसके थोड़ी देर बाद एक फॉरेस्ट रेंजर उसे लेने आ जाता है, जहाँ पर वो कार में बैठकर
उस फॉरेस्ट रेंजर को बोलता है कि बाहर एक कुत्ता है, उसे भी अपने साथ ले लो। पर फॉरेस्ट रेंजर उसे बताता है कि इस पूरे जंगल में कोई कुत्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, इसलिए कुत्ते जैसे पालतू जानवर यहाँ जिंदा नहीं रह सकते हैं। असल में उसके साथ कभी भी कोई कुत्ता था ही नहीं। इस जंगल में वो अकेला था और अकेले रहने की वजह से उसके दिमाग ने एक कुत्ते की इमेज बना ली थी, जिसने अकेले समय में उसको मोटिवेट किया और उसका साथ दिया, जिसके बाद रेंजर उसे गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर ले जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी ऐसी और भी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।